हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पे वैक्स कैसे करें। तो ये है चॉकलेट वैक्स, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। तो और ये है वैक्स हीटर। तो सबसे पहले आपको वैक्स हीटर को इलेक्ट्रिक बोर्ड से लगा देना है ताकि ये हीट हो, और इस तरीके से वैक्स को निकाल के इसमें डालना है ताकि ये गर्म हो। उतने ही वैक्स डालें जितना आपको वन टाइम में यूज़ करना है, उतने ही वैक्स डाल के आप गर्म करें। और आपको वैक्स करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले आपके पास वैक्स हीटर होना चाहिए, वैक्स होना चाहिए, वैक्स स्ट्रिप होना चाहिए और पाउडर होना चाहिए। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से निकाल के वैक्स को डाल देना है ताकि वो हीट हो। 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है कि वो हीट हो। और अब ये वैक्स हीट हो चुका है, तो इसे मैं थोड़ा सा इसे ठंडा होने का वेट करूंगी। अदरवाइज ऐसे अप्लाई करने से ये आपके बॉडी को जला सकती है, जिस भी एरिया में आप अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले इस तरीके से हाथों पे पाउडर लगाना है, ऊपर से नीचे की रूट की तरफ ऐसे पाउडर लगाना है। और पाउडर लगाने के बाद आपको वैक्स का टेम्परेचर चेक करना है, कोई हीट है वह मतलब गर्म है या नहीं, ठंडा हुआ है, जैसा भी है। टेम्परेचर चेक करने के बाद आपको बॉडी को जलाना है, इसको ऐसे लगाना है और इस तरीके से स्ट्रिप को उठा के खींच देना है। अब ये क्लीन हो चुका है। इतना बहुत ही आसान है, आप इसे अकेले बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए कोई किसी भी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका इसमें कोई हेल्प करेगा, आप अकेले भी आराम से बैठ के कर सकते हैं। गर्मी के टाइम में वैक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, रूम टेम्परेचर चेक करना होता है। अब पैर में भी ऐसे ही आपको करना जैसे हाथ में किया है। सबसे पहले जिस जगह पे आपको वैक्स करना है वहाँ पे पाउडर को इस तरीके से लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे रूट में, ताकि वो बाल को उठाए ना मतलब। और इस तरीके से वैक्स को भी ऊपर से नीचे के साइड ही लेके जाना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपको फिर वैक्स स्ट्रिप लेना है, जिसे ऐसे चिपकाएंगे, थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसलेंगे ताकि वो चिपक जाए अच्छे से, और नीचे से ऊपर की तरफ इसको खींच के निकालना है। क्योंकि अधिकतर हेयर्स के रूट नीचे से ऊपर की तरफ ही होते हैं, हर किसी का ऐसे ही होता है। तो आपको इसी तरीके से ऐसे करना है और ऐसे खींच लेना है। मैं गर्मी के मौसम में ये वीडियो बना रही हूँ, तो गर्मी के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत होता है वैक्स करने में, क्योंकि मतलब वो स्लिप होता है, उतना अच्छा नहीं वैक्स हो पाता है जितना कि हम ठंडी के मौसम में करते हैं। या तो फिर एसी वाला रूम होना चाहिए। तो मैं जिस जगह पे ये कर रही हूँ वहाँ पे एसी वाला रूम नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वैक्सिंग एक बार में ही सारे हेयर्स नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो हमेशा ठंडी के मौसम में होता था कि एक ही बार में सारे हेयर्स निकल जाते थे। बस वैक्स करते टाइम आपको इतना ही ध्यान देना है कि वो ज़्यादा हीट ना हो, अदरवाइज़ वो आपके पैर जला सकता है। तो आपको सब थोड़ा केयरफुली होके ऐसे ही करना है, ध्यान देके। बाकी बहुत ही इजी स्टेप होता है, आप घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है, और अब ये देखिए मेरे हाथ और पैर कि जो आपको बिल्कुल क्लीन नजर आएंगे। और ये मैंने खुद से किया है, किसी भी सेकंड पर्सन की हेल्प नहीं ली है, और बहुत ही आसानी से सारे हेयर्स आपके निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है।